हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल महात्मा में। मैं हूं अमित और एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड करने वाली वीडियो का ट्यूटोरियल लेके आ गया हूं, जो कि इस प्रकार से है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में क्या हो रहा है। ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आदमी खड़ा है लेकिन उनका जो छाया है, परछाई है, वो कुछ अलग सा काम कर रहा है। तो इसे कैसे बनाएंगे इसको जानेंगे, क्योंकि इस तरह की वीडियो जो लड़की बनाई है उसके मैंने चेक किए व्यूज तो 14 मिलियन से ऊपर व्यूज जा चुके थे और 2.2 मिलियन लाइक्स आ गए हैं। तो आज मैं इसका ट्यूटोरियल ला रहा हूँ कि आप लोग भी सीख जाएंगे कि कैसे ये बनता है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए। अंत तक देखने से पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद कुछ भी पूछना हो, अच्छा लगा हो, खराब लगा हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ में अगर कुछ सुझाव देना, कुछ वीडियो के बारे में पूछना हो तो यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, वहाँ पर भी आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो का ट्यूटोरियल जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल कर लीजिएगा, तभी मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ना कोई भूत ना कोई आत्मा, आप देखते रहिएगा हमेशा टेक्निकल महात्मा। तो दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए मैं काइनमास्टर ऐप में आ गया हूँ और कैसे बनेगी इसे ध्यान से देखिए। बहुत छोटा सा ट्रिक है, बस आप इसे देख लीजिएगा तो आप समझ जाइएगा। तो हमें करना क्या है, यहाँ से इसे ध्यान से देखना है। अगर आपके पास काइनमास्टर ऐप है तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, प्लस पर टैप करना है और 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा इंटरफेस। अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है, आपको एक वीडियो, दो वीडियो शूट करना है, एक नहीं दो वीडियो शूट करना है। कैसा, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, आपको कैसे शूट करना है। आपको एक जगह पे खड़ा होना है, एक ही जगह पे, और इस प्रकार से खड़ा होइएगा कि जहाँ से आपको धूप आए और सामने दीवार में, चाहे जहाँ भी आपका परछाई जाए वहीं पे आपको कैमरा भी एक जगह रखना पड़ेगा। मतलब कि ट्राइपोड में आप रख सकते हैं कैमरा को एक जगह, एक ही एंगल में, और आप भी एक ही जगह पे खड़ा रहेंगे पहली वीडियो में। तो हम उस पहली वीडियो को दिखा देते हैं कैसा है। मीडिया में जाते हैं, जो पहला वीडियो है कुछ इस प्रकार से हमने शूट किया था, तो ये पहला वीडियो है। सेलेक्ट करने के बाद ओके करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और एक दीवार पीछे से जहाँ पर मेरी छाया जा रही है। और आपको बता दूँ कि एकदम जो लाइट प्रकाश आ रही है वो एक कलर का आना चाहिए, यानी कि थोड़ा धूप और फिर छाया हो, तो इस प्रकार से नहीं। तो यहाँ पे मैंने इस प्रकार से शूट किया ये पहला वीडियो। तो आपको लगता है कि पहला वीडियो में थोड़ा सा इधर का बेकार हिस्सा है और इधर लगता है कि आपको इधर का बेकार हिस्सा है, तो इस प्रकार से हम कर लेते हैं छोटा। और इसका साउंड ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, इसी जगह पे जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ सेम उसी जगह पे दूसरी वीडियो को शूट करना है। और ऐसा कीजिएगा, हाथ आप बाहर नहीं ज़्यादा, जहाँ छाया आ रहा है आपका, जैसे ही वहाँ पे सामने में हाथ नहीं ले जाइएगा, नहीं तो वीडियो नहीं बनेगा आपका। यहाँ पे अब हमें करना क्या है, जैसे मैंने हाथ को यहाँ पर मोड़ रखा है, देख सकते हैं, नहीं तो छाया ऐसा रखिएगा जहाँ पर कैमरा ऐसा रखिएगा कि आपका छाया पूरा आ जाए। तो लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और वो दूसरे वीडियो को ले आना है। तो दूसरा वीडियो ये है, इसे सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं सेम वही जगह पे वही चीज़ है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है, इसमें दूसरा एक्टिंग करना पड़ेगा। कैसा, देख लीजिए वीडियो को, पहले देख लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या किया। तो यहाँ पर इस वीडियो में देखिए, मैंने इस हाथ को उधर नहीं ले जा रहा हूँ, छाया के उधर नहीं ले जा रहा हूँ, जैसा है वैसा ही पे एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ छाया में कुछ फेर बदल हो रहा है। तो इस प्रकार से वीडियो है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस पर टैप करना है और यहाँ पे इसका साउंड ऑफ कर देना है। ऐसे ऑफ करने के बाद यहाँ से बीच में स्प्लिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर जाना है और इसको यहाँ पर क्या करना है, इधर वाला जो सिलेक्ट है इसको सिलेक्ट करना है। इस प्रकार से हो जाए। अगर आपको लगता है कि मेरा हाथ इधर टच करेगा तो थोड़ा सा हम इसे छोटा भी कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, और इतना करने के बाद ओके करते हैं। तो अब वीडियो को देखिए कि आपको लगता है कहीं भी फ़र्क, यहाँ पे थोड़ा सा रोशनी का फ़र्क आ गया था, लेकिन आप अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। देखिए मैं खड़ा हूँ लेकिन मेरा परछाई कुछ और काम कर रहा है। तो इसी प्रकार से वीडियो बनती है। और यहाँ पे साउंड जोड़ना है तो साउंड का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से उस वीडियो को ले आइए, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो क्या करना है, लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और उस वीडियो को जो डाउनलोड किया कैमरा में जाएगा, आपको उसे सिलेक्ट करना है। तो ये लड़की वाली वीडियो इसे सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। और यहाँ पर क्या करना है, इस सीजर पर जाना है और एक्सट्रैक्ट एडियो करके वीडियो को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद कुछ साउंड इस प्रकार से इसमें आ जाएगा और यहाँ पर आपको जो फ़र्क दिख रहा है, लेकिन लाइटनिंग एक रखना है, लाइटनिंग यहाँ पर चेंज नहीं होना चाहिए। तो लाइटनिंग एक रहेगा तो आपको कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, लेकिन सेम चीज़ लगेगा कि सच में ऐसा हो रहा है। तो आज का ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।